hear from your side, because numericals are purely based on the formulas and you can say concepts. So I would like to know from your side, is there any doubt difficult to anyone? And the second part is that I would like to listen all the formulas from your side. So please, anyone amongst you, just start your, unmute your voice and let me know the formulas from this chapter. Yes, please. Unless and until I get the formula from your side, I'm not going to continue with the numericals, please. Just can I match it? R indicates the rate of reaction. K indicates the rate constant of the reaction. This is molar concentration of A, molar concentration of B, and X and Y are the exponent, which indicates the order of reaction. So that is nothing but the order of reaction. And order of reaction, how do you get it? Two terms. Order of reaction in terms of A, order of reaction in terms of B. And overall order, how do you get it? Overall order of reaction is X plus Y. That is overall order of reaction. So, ये rate law है, ये जो हमने लिखा है rate law, उसका हमने definition भी देखा था. Rate law is a mathematical equation which gives the true rate of chemical reaction in terms of molar concentration of reactant raised to suitable power. Molar concentration of reactant raised to suitable power. तो ये equation itself rate law है. और जब तक rate law नहीं लिखते हैं, तब तक हम order of reaction नहीं निकाल सकते. और order of reaction दो तरीके से दिया जाता है. Order of reaction in terms of reactant A, order of reaction in terms of B. हमारे जितने रिएक्टर होंगे वो सब के टर्म्स में एक एक करके उसके लिए ऑर्डर दिया जा सकता है, या फिर ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, तो सम टोटल ऑफ एक्सपोनेंशियल रेट लॉ. हमारा जो रेट लॉ है इसके अंदर जो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनका एक्सपोनेंट, इसका एक्स है इसका वाई, उनका सम टोटल. सो दिस इज एक्स प्लस वाई. अगर यहाँ पे सी होता था रेस टू जेड होता था तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी होता था. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन हियर. सो दिस इज वे हाउ कैन राइट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हियर. क्लियर विद दिस? तो ये दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट. अभी देखिए हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने, शायद आप आपके बुक के नीचे दिए एमसीक्यूज अगर पढ़ते हो तो एमसीक्यू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट भी समझना है, मतलब अंडरस्टैंड करना है और लर्न भी करना है. उसी के आधार पर कई सारे एमसीक्यूज आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस फिर हम लोग चलते हैं, दिस इज द रेट लॉ. ये जो दिखता है रेट लॉ. नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फिर आरएनएस इक्वेशन, ये फॉर्मूले आते हैं. सो इस तरफ चलते हैं हम लोग, दैट इज यू कैन से इंटीग्रेटेड रेट लॉ. वी आर हियर इंटीग्रेटेड रेट लॉ. पहला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो उसके लिए देखा हमने के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी. ये एक फॉर्म देखा. उसके बाद ये देखा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स. ये देखा और उसी का हाफ लाइफ पीरियड देखा हमने, उसी का हाफ लाइफ पीरियड देखा. हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी वन हाफ. ओके टी वन हाफ. तो ये क्या देखा हमने, दैट इज टी वन हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. दिस इज अगेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके ये देखा हमने, दैट इज अगेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, that is 0.693 upon k. ये आ जाता है. So this is t one half is equal to 0.693 upon k. ये आ जाता है. These are the ये सीधे फॉर्मूले जो हमने प्रूव किए थे, जो हमने देखे हुए थे. तो ये उसके अंदर का फॉर्मूला होता है. और इसी के अंदर अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं, see this is second zero order reaction. तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, we are discussing इंटीग्रेटेड रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ऑफ देखा k is equal to a naught minus at upon t आता है. और इसी का हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं, यू कैन से t one half is equal to a naught by 2k. ये हम देखा. तो अब देखिए, these are the integrated rate law for first order reactions के लिए ये आता है और zero order reaction के लिए ये आ जाता है. तो similar वैसे आप देखिए, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट था वो क्यों आता है ये भी हमने देखा कि इंटीग्रेटेड रेट का क्यों देखना पड़ता है हम लोगों को. द रीजन बिहाइंड दैट
we have to calculate the concentration of reactant with time. मतलब 5 मिनट के बाद कितना कंसंट्रेशन रिएक्ट हुआ, कितना कंसंट्रेशन रिमेनिंग है, 10 मिनट के बाद कितना कंसंट्रेशन रिएक्ट हुआ, कितना रिमेनिंग है, ये कैलकुलेट करने की ये फार्मूला है. सो इन दैट सेंस वी कैन से k इज इक्वल टू 2.03 अपॉन c log base a not upon kt. इसके अंदर k का मतलब है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वो हर रिएक्शन का पर्टिकुलर है. t इज द टाइम, जो भी टाइम हमें दिया है या जो भी टाइम हमें निकालना है वो यहां पे आएगा. a not is the initial concentration of reactant, jo bhi reactant diya hai uska initial concentration a not hai, aur at is the final concentration remaining after time. dekhiye final concentration do ho sakte hai, ek to reacted aur ek remaining. to a not at hamesha indicate karta hai concentration remaining after time pe, concentration remaining after time. aur ye formula isi ka just modification hai jiske andar hum log reactant quantity nikal sakte hai. to ye bhi humne derivation derive karte samay likha tha कि k is a rate constant, t is a time, a is a initial concentration, जो a not दिखा था वही a है, initial concentration, a is again initial concentration and x is the concentration reacted in time t, x is the concentration react हुआ, so remaining कितना है a minus x, initial कितना था a, react कितना हुआ a, x, तो a minus x is a remaining concentration after time t, ये आपको मिला, and this is for first order reaction. अभी इसी का हाफ लाइफ पीरियड देखते हो, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या देखते हैं, हमने देखा हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन देखा था. क्या डेफिनेशन था हाफ लाइफ पीरियड का, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी. किसी भी रिएक्टेंट का जो इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास आता है वो इनिशियल क्वांटिटी का आधा रिएक्ट होने के लिए जो भी टाइम लगता है उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं. सो दिस यू कैन से हाफ लाइफ पीरियड. सो हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है. तो हाफ लाइफ पीरियड इज time required to react half of the initial concentration. K is a rate constant. कई बार आपको जो numericals आते हैं, कई बार जो numericals आते हैं आपको time calculate करने की पूछते हैं और half life period. तो half life period देंगे तो उससे k निकालना पड़ेगा, k यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर t निकाल सकते हैं. अब देखिए आगे numerical पढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा picture, इसी तरीके से रहेगा. So that's why these are indicated rate law for first order reaction and half life period for first order reaction. Again this is zero order reaction. Same. अभी indicated rate law for zero order reaction क्या है? तो zero order reaction ये है. So k is equal to a naught minus at upon t. K is again rate constant. A naught again initial concentration of the reactant. At is nothing but the final concentration remaining after time t. And t is the time जो हम लोग लेंगे, जो देंगे, जो निकालना वो रहेगा. उसी का half life period कैसा है? T one half is equal to a naught upon 2k. This is half life period. This is a naught initial concentration and 2k. K is the rate constant. This is the formula what we get here. Where is this? ये formula आ जाता है. और उसी के अंदर का जो लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है दैट इज नथिंग बट यू कैन से अरेनियस इक्वेशन और अरेनियस फॉर्मूला. ये हमें देखना है अरेनियस इक्वेशन, वो यहाँ पे लगता हूँ. आप अभी या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा. सो दीज आर द फॉर्मूलास. सो प्लीज हैव इट, फिर दूसरे फॉर्मूले दो तीन जो बचे वो लिखते हैं इसके ऊपर. एवरीवन प्लीज. नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं जो आरएनएस इक्वेशन के आते हैं. आरएनएस इक्वेशन बेसिक पहले जो आरएनएस इक्वेशन आता है दैट इज यू कैन से के इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा आता है. जिसके अंदर ये पहला इक्वेशन है जिसके अंदर के इज अ रेट कॉन्स्टेंट, ए इज अ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, a is a fraction of collision and e is nothing but the entropy law. You can say ea is activation energy, r is a gas constant and t is the temperature. This equation gives temperature dependency of the reaction. Matlab every reaction it depends upon the temperature, aisa is equation ka kehna hai. So this equation is for temperature dependence of the reaction. If temperature increases rate of reaction also increases, if temperature decreases rate of reaction also decreases. ye iske andar batata hai. ye bahut hi rarely hum logo ko equation ke andar use karna hai. इसी का जो थोड़ा सा इजी सॉल्व फॉर्म होता है वो ये है लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग बेस 10 ए, लॉग बेस 10 ए ये फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट हमें यूज करना है. अभी इसके अंदर नीचे सारे टर्म्स का मीनिंग लिखेंगे कि क्या उसका मीनिंग क्या है. ये फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज करेंगे वापस उसके अंदर आरएनएस इक्वेशन का. तो ये इक्वेशन हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अगर आपको ये रेट कांस्टेंट दिया जाता है तो रेट कांस्टेंट के है, ये इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी से कैलकुलेट किया जाता है.
R is a gas constant. जो हमने gas laws मतलब states of matter के अंदर देखा था, R is a gas constant. T is a temperature and A is a collision fraction. इसे कहा जाता है. और तीसरा फॉर्मूला जो इसके अंदर आता है कि एक ही रिएक्शन है और वो रिएक्शन हम अच्छी तरह जानते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस है. मतलब उस रिएक्शन का 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट क्या है और उसी रिएक्शन का 40 डिग्री पे रेट क्या है. सो इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट वन टेम्परेचर इज नोन, कैन वी कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट अदर टेम्परेचर, दैट इज द क्वेश्चन. और वो भी निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला हमने कल देखा था. सो कंसर्वेशन लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट यू कैन से T1 T2 अपॉन T2 minus T1. इस टाइप का इक्वेशन आ जाता है. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट हियर अगेन. सो इसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर K इज नथिंग बट द रेट कॉन्स्टेंट. अभी यहाँ पे K इज रेट कॉन्स्टेंट, बट K1 K2 दो आता है, तो K1 क्या आएगा? K1 is the rate constant of reaction at temperature T1 and K2 is the rate constant of reaction at temperature T2. So K1 depends upon the temperature. So K1 must be a rate constant of reaction at temperature T1 and K2 must be rate constant of reaction at temperature T2. So T1 temperature pe K1 and T2 temperature pe K2. So K2 badalta rehta, that is nothing but the rate constant of reaction. Theek hai? A jo yahan pe dikh raha hai, this A is nothing but the fraction of collision ya fir collision fraction. Collision fraction ये है A, because कर हमने देखा collision theory के अंदर, in order to have the reaction, collision is must be in the reacted molecules, but each and every collision is not a successful. So some collisions are successful, some collisions need sufficient kinetic energy, some collisions need activation energy, some collisions need potential energy, वगैरह वगैरह. Some collisions need proper orientation. ये जो collision का fraction है वो that is noted by A, इसे दिखाया जाता है. What is EA? EA is nothing but the activation energy. Activation energy. Okay. R is a gas constant. T is a temperature. अभी इसके अंदर T1 क्या रहेगा, फिर हम अच्छी तरह जानते हैं T1 is a initial temperature, T2 is a final temperature. इसके अंदर generally हम ऐसा करते हैं T1 is less than T2. Normally, इस equation के अंदर ये expected है, T1 is less than T2. So, that's why वो numerical में solve करते समय इस तरीके से थोड़ा सा understanding के आधार पर solve करना है. T1 is less than T2 इस तरीके से उसे लेना है. Clear with this? So, that is what we can say. So, all of these formulas, अभी देखिए हमें जितने formula यहाँ पे दिख रहे हैं, mostly इसी formula के ऊपर, हमारे book के नीचे जितने सारे numericals है, unsolved numericals, वो सारे इसी formulas के ऊपर based है. पहला जो part यहाँ का मैंने delete किया, वो JEE NEET point of view ज्यादा important है. But जिसे हम लोग proper numericals कहते हैं, जो हमारी बुक के नीचे निकल करते हैं, सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट है, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट है. तो बट न्यूमेरिकल के बारे में और एक जो बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना न्यूमेरिकल के सफिशिएंट नहीं है. फॉर्मूले लर्न तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. क्या है हाफ लाइफ पीरियड, क्या है, व्हाट इज दिस हाफ लाइफ पीरियड, उसका डेफिनेशन बताऊंगा. व्हाट इज फाइनल कंसंट्रेशन, क्या है RNS equation, क्या है उसके अंदर collision fractions, क्या है थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो what I will suggest that कि आप थोड़ा सा एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने सिखाया हो, पढ़ लीजिएगा. अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में समझने में आपको डिफिकल्ट ना हो तो प्लीज लेट मी नो, देन अकॉर्डिंगली आई विल आई कैन ट्राई टू हेल्प यू विद दिस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आफ्टरवर्ड्स देन वी विल लर्न द फॉर्मूलाज एंड वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड लर्न. जस्ट आई विल गिव यू 5 मिनट्स. I expect everyone will learn all these formulas. Sare formulas learn hone chahiye aapke. Abhi ke abhi. Everyone. Anyone amongst you, please read this formula. First formula. Yes, anyone amongst you? Abhishek. Oh, sorry, sorry. Who put right? Saili, bolo Saili. Integrated rate law for first order
A is equal to 2.303 t log base 10 a naught upon a t. A is equal to 2.303 upon t log base 10 a upon a minus x for half life period. T half is equal to 0.393 upon k. 693 upon k, zero order reaction, k is equal to a naught minus a t upon t, t half is equal to a naught upon 2k. Very good. This side, please. Aniket Raut, aap ye side padhiyega. Hello. Bolo Aniket. K equals to a raised to e minus e naught upon rt. Nahi, K is equal to a e raised to minus e naught upon rt. This is not E naught, this is EA. Small likha hai maine, EA upon RT. Okay, sir. Please. Second one, log base 10 K equals to minus EA upon 2.303 RT plus log base 10 A. Very good. Third one, log base 10 A K2 by K1 equals to, sir, EA upon 2.303 R in bracket T1 T2 upon T2 minus T1, where K equals to rate constant, A equals to collision fraction, EA equals to activation energy, and R equals to gas constant, and T equals to temperature. Very good. Thank you, Aniket and Saili. Okay, this is the way how we should go ahead with this. If you have difficulty, to bolega, we can interact, we can talk it, we can write it, we can learn it. We can take a time. Samajh sakte hain, hum log online mein ja rahe utna interest aapko shayad nahi aa raha jitna hum log interactive classes mein lete hain utna. But abhi option to hai nahi, it's a worldwide pandemic is going on, so that's why we have to come up with the given conditions. Okay, koi baat nahi. Hope everyone got these formulas very well. Now let's move to the numericals. Lekin, is there any time remaining for us? Kitna? Nahi, time nahi. Okay, time is over now. Theek hai. So, कोई बात नहीं, all formulas done from my side now. अब ये formula मैं expect करता हूँ कल everyone amongst you, I don't know overall, whoever is going to log in for the lecture tomorrow, I want all the formulas to be learned from his side or her side, and then accordingly I will also go for the numericals. Numerically आपके पास आपका book होना जरूरी है, आपके पास pen और notebook होना जरूरी है, उसी हिसाब से numericals आपको solve करने हैं, ठीक है ना? So कल के lecture में चलते हैं हम numericals में with the background of this formula. और अभी भी मैं appeal कर रहा हूँ, अगर इस chapter में आज आप पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कल के लेक्चर में पूछिएगा. आई विल अगेन एक्सप्लेन द टॉपिक, आई विल अगेन एक्सप्लेन द सम डिफिकल्टीज व्हाटएवर यू हैव एड्रेस दैट, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गो आउट फॉर द न्यूमेरिकल्स. क्लियर? सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो विद द लर्न फॉर्मूलाज, एंड एवरीवन बी रेडी विद ओरल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. यस, वेलकम.